हाय गाइस, मैं हूं विशाल और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इनलाइन स्केट पर टी स्टॉप कैसे सीख सकते हैं। वैसे मैंने रोलर स्केट पर पहले भी बनाया हुआ है टी स्टॉप पर वीडियो, तो आपको अगर वो वाला वीडियो देखना हो तो आप आई बटन में क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। तो आज तो मैं आपको इनलाइन स्केट पर सिखाने वाला हूँ किस तरह से इनलाइन स्केट पर टी स्टॉप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का स्केटिंग लेसन और सीखते हैं टी स्टॉप इनलाइन स्केट पर। तो गाइस, स्टेप वन में आती है पैरों की पोजीशन। आपको जिस साइड कंफर्टेबल लगे उस साइड के पैर को उठाना है और पीछे की ओर रखना है तिरछा घुमाकर इस तरह से। तो अभी मैं लेफ्ट लेग रख रहा हूँ और अगर आपको राइट लेग भी अच्छा लगता हो रखना पीछे तो उस तरह से आप राइट लेग को भी पीछे इस तरह से रख सकते हैं। तो आपको इसी तरह से जिस साइड आपको कंफर्टेबल लगे उस साइड के पैर को पीछे रखना है और फिर वापस सीधे रखना है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करना है क्योंकि यही आपको बिगनर्स को ये बहुत प्रॉब्लम आता है। अगर आपको ये वाली स्टेप आती है तो इसे स्किप कर सकते हैं, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आती है और आप बिगनिंग से सीख रहे हैं तो आपको इस स्टेप को अच्छे से सीखना पड़ेगा और कोशिश करना कि आप जिस पैर को पीछे उठाकर रख रहे हो और वापस सीधे रख रहे हो उस पर बहुत कम वजन रहे, आपका पूरा बॉडी बैलेंस जो है वो अगले पैर पर रहना चाहिए। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये वाला स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए जो बिगनिंग से सीख रहे हैं। तो गाइस, स्टेप टू में आपको एक पैर पर बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करना है कुछ इस तरह से। और अगर आपसे इस तरह से नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करना कि आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपना एक पैर को होल्ड करके रखें हवा में। जो पैर आप पीछे की ओर रगड़ते हो उस पैर को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है हवा में और जो आगे पैर रहता है उस पैर पर आपको बैलेंस बनाकर रखना है। क्योंकि आप शुरुआत में जब आप टी स्टॉप ट्राई करोगे तब आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही उसे ट्राई कर पाओगे, मतलब रगड़ पाओगे पीछे पैर को और फिर वापस सीधा हो जाएगा। और अगर आप अच्छे से बैलेंस बना पाते हो एक पैर पर तो आपको टी स्टॉप सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप आसानी से सीख जाओगे। तो गाइस, स्टेप थ्री में मैं आपको बताता हूँ कि आपको बॉडी बैलेंस कैसा रखना है। तो आपका जो एक पैर है वो पीछे की ओर रखोगे आप कुछ इस तरह से, लेकिन आपका बॉडी बैलेंस पूरा अगले पैर पर रहेगा। तो आपका पैर जो है वो कुछ इस तरह से पूरा हल्का रहना चाहिए, आप उसे कभी भी उठाकर आगे पीछे इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से आपको बॉडी बैलेंस रहना चाहिए, आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और बैलेंस की। इसके बाद आपको हल्की स्पीड में टी स्टॉप ट्राई करना है और अगर बैलेंस ना बन रहा हो तो आप दोनों हाथों को कुछ इस तरह से फैला भी सकते हो। तो शुरुआत में तो आपसे कुछ इसी तरह से टी स्टॉप होएगा, आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए पैरों को पीछे की ओर रगड़ पाओगे। लेकिन अगर आपका वन लेग बैलेंस अच्छा है तो आप इसे आसानी से कर लोगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपका बैलेंस अच्छा नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर आपका एंकल बैंड वगैरह भी होता हो तो आप पहले उस पर अच्छे से काम कर लीजिए तो आप टी स्टॉप लगाने में आसानी महसूस करोगे। इनलाइन स्केट पर टी स्टॉप सीखने में हर बिगनर को ये वाली प्रॉब्लम्स आती है, मुझे भी आई थी। लेकिन आप प्रैक्टिस किया कीजिए, आप किसी भी लेवल पर हो स्केटिंग में आप इसे आसानी से सीख जाओगे। तो गाइस, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ इस तरह से टी स्टॉप लगाने लग जाओगे, मतलब जो आपका पैर है वो आप ज़्यादा देर तक पीछे की ओर होल्ड कर पाओगे और आपका साथ ही साथ वन लेग बैलेंस भी इम्प्रूव होता रहेगा। और अगर वन लेग बैलेंस इम्प्रूव होता है तो आप ज़्यादा दूर तक टी स्टॉप लगा सकते हैं, आपका जो बैलेंस है वो अच्छा बना रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप कभी भी टी स्टॉप लगा सकते हैं। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ी क्या, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप जल्दी ही इसे सीख जाओगे। तो आई होप गाइस कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इनलाइन स्केट पर टी स्टॉप को करना है। और अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखना और डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस यार, आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए या फिर इसी तरह से कुछ नया सीखते हुए। तो बाय गाइस। Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you.